नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका एनपी न्यूज चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ आज सीतारामपुर जगह से। यहाँ पे वो करीबन कुलपी से करीबन 22 किलोमीटर अंदर सीतारामपुर में आज तामिर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से आज यहाँ पर रिलीफ मटेरियल का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर हारू पॉइंट कोस्टल थाना से और यहाँ के MLA मंटू राम पाकिरा यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे उनको संबोधित करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे সেই হিসাবে সূচনাগত কাম পৌঁছাতে প্রধান হিসাবে ওদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা। আজকে আমাদের সূচনাগত কাম পৌঁছাতে যে চারটে বুথ, দুটো বুথ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, দুটো বুথ আংশিক বিপর্যস্ত। সেই মানুষের পাশে কলকাতা দিল্লি থেকে ওনারা এসেছেন, ওনারা এসে সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের যে সহায়তা প্রদান করছে, সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের আজীবন এই সংস্থাকে ওদের কর্মকর্তাকে মনে রাখবে। সেই হিসাবে আমি আমার ছোট বক্তব্য থেকে সকাল থেকে মানুষ নটা থেকে বসে আছি, ওরা এই গরমে সম্পূর্ণ নাজাল হয়ে আছে। আমি আশা করব, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আমি ওনাদের আশা করছি যে ওনাদের কর্মপত্র হ্যালো ওনাদের কর্মকর্তা যিনি এসেছেন এই সংস্থার কর্ণধার তাকে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি। आज सीतारामपुर हाई स्कूल में अभी देख सकते हैं, यहाँ पे सीतारामपुर हाई स्कूल जो यहाँ पे करीबन कुलपी से गुज़िश्ता करीबन 22 किलोमीटर अंदर आज एमको न्यूज़ की टीम और तामिर एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से यहाँ पे रिलीफ जो है मटेरियल लेकर आए साइक्लोन यास से, जो यहाँ लोग मुतासिर हुए थे और COVID-19 से जो मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर तामिर एजुकेशनल ट्रस्ट जो है करीबन काफ़ी तादाद में जो है लोगों को यहाँ पर रिलीफ मटेरियल पहुँचाने के लिए आए, जो लोग यहाँ मुतासिर हुए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ तला साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे MLA मंटू राम पाखीरा का और यहाँ के हारूड कोस्टल पॉइंट स्कूल का। आप देख सकते हैं कि अभी जो है तला साहब यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। मतलब बंगाली यार, मतलब बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, स्टिल थोड़ा मुझे प्रॉब्लम, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा और इजाज़त मांगूंगा कि मुझे उर्दू में बोलने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। आज की ये महफिल जो है इसमें हर एक का इंट्रोडक्शन और परिचय कराना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हालात चल रहा है हम लोगों के साथ कि इस वक्त में हम आप सब एक लाइन में खड़े हुए हैं और पैंडमिक की वजह से सभी लोग परेशान हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर मानवता के सेवा के लिए आए और आपके साथ खड़े होने के लिए आए। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे जहांगीर बाबू ने, जिनसे हमारा लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परिचय हुआ और कुलपी थाने के अंडर में हम लोगों ने कई सारे वहां पे प्रोजेक्ट किए, तो उनके साथ एक ताल्लुक था। उन्होंने हम लोगों के सामने, उन्होंने और इनामुल बाबू जो एक दूसरे थाने के हैं, उन्होंने हमारे सामने रिक्वेस्ट रखा, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी की अभी 4-5 दिन। और ये हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे दोस्त अहबाब जितने हैं, ये आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। हम सर को बहुत वेलकम करते हैं। MLA साहब जो हमारे साथ आए हुए हैं, मोटू राम पाखीरा सर यहाँ पे मौजूद है हम लोगों के साथ, बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं। विश्वजीत सर यहाँ के OC ऑफिसर इंचार्ज हारवुड पोस्टल थाना के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। विश्वजीत घोष सर, आप गौरांगोपुर का ही गौरांगोपुर का ही सर भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे टीम के पूरे बहुत सारे इसमें ट्रस्टी भी हैं एक दो, और साथ ही साथ हमारे सब कोर मेंबर्स हैं। मैं सबों का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और असल काम ये है कि मानवता की सेवा करने के लिए, और जो कुछ हम लोगों से बन पड़ा, हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 ड्राई राशन किट लेकर आए हैं, 1000 किट, और जो गाड़ी आ रही है अभी, और तकरीबन 2200-2300 कपड़े हैं, जिसके अंदर 500 नया लुंगी है, 150 साड़ी है, उसके अलावा जो है ओल्ड क्लोथ्स भी हैं किड्स के, लेकिन वो ओल्ड नहीं लगेंगे आपको। हम लोगों ने ये किया कि हमारे भाई लोगों को और बहन लोगों को हम लोगों को देने के लिए जाना है, हमने वहाँ अनाउंसमेंट किया कलकत्ता में, और ये कहा आपको इसको धोना है, सैनिटाइज करना है, आयरन करना है, और सिंगल ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन के अंदर सही से उसको, ऐसा लगे कि नया कपड़ा है, जेंटली यूज्ड,
नया कपड़ा है, उस तरीके से उसको पैक करना है। आप देखेंगे जब वो खुलेगा बिल्कुल आपको लेने में भी अच्छा लगेगा, आपको यूज़ करने में भी अच्छा लगेगा। बाज़ दफ़ा हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ता है, हम लोग भी एक दूसरे का कपड़ा पहनते हैं, कोई उसमें उसकी बात नहीं है। और इस वक्त जैसे हालात है यहाँ पे, मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खोती हुई है और नुकसान हुआ है। ऊपर वाले से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही रखे, सलामत रखे, और ये जो परेशानी आई है इसे दोबारा से हम लोग निकल कर सामने आए और मानवता के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हों और सेवा करें। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के हमारे TMC MLA साहब का और जितने भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे सिविक वॉलंटियर्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्कूल है जिन्होंने हम लोगों को मौका दिया यहाँ आने का, हमारा इस्तकबाल किया और हमारे लिए थोड़ा देर इंतज़ार भी किया आप लोगों ने। हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को आप लोगों ने मौका